नमस्ते, स्वागत है आपका इस अनोखी कक्षा में जहां पर आप हिंदी में कंप्यूटर संबंधित ज्ञान पा सकते हैं। मेरा नाम है मयंक मलिक और इस कक्षा का शीर्षक है विंडोज एक्सपी को कंट्रोल पैनल द्वारा कैसे अपनी रुचि के अनुसार बनाएं। विंडोज एक्सपी का इस्तेमाल करने के लिए आपको कंप्यूटर जीनियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो कुछ मुख्य लक्षण और कार्य समझने की, जिसे कंट्रोल पैनल काफी आसान बना देता है। कंट्रोल पैनल में अनेक प्रकार के टूल्स होते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कंट्रोल पैनल तक कैसे पहुंचते हैं। कंट्रोल पैनल तक पहुंचने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और दाहिने मेनू में कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट कर क्लिक करें। इससे कंट्रोल पैनल खुल जाता है। अब मान लीजिए आपको आपका स्क्रीन सेवर बदलना है, तो स्क्रीन सेवर बदलने के लिए आप सबसे पहले अपीयरेंसेस एंड थीम्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है चूज ए स्क्रीन सेवर। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने से ये एक विंडो आती है। इस विंडो में आप जाकर के अपना मन पसंदीदा स्क्रीन सेवर सिलेक्ट कर ओके दबा दीजिए। पीछे जाने के लिए आप बैक बटन का इस्तेमाल कर उसे क्लिक करेंगे। अब विंडोज एक्सपी में ये एक नए तरह का कंट्रोल पैनल दिखता है। जिन लोगों ने विंडोज 2003 या विंडोज 98 देखा है, उस तरह के कंट्रोल पैनल पे उस तरह के कंट्रोल पैनल के व्यू के लिए आप स्विच टू क्लासिक व्यू दबाइए। इससे ये पुराने तरह का कंट्रोल पैनल में तब्दील हो जाता है। अब मान लीजिए आपको डेट और टाइम बदलना है, तो उसके लिए आप डेट एंड टाइम पर जाइए, डबल क्लिक करिए और जो भी तारीख आप बताना चाहते हैं, जैसे नवंबर 11, 2010, वो सिलेक्ट करके ओके दबाएं। इसी प्रकार से अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, अभी ये वॉलपेपर लगा हुआ है, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जाकर डबल क्लिक करिए, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कीजिए, यहां पर आप एक दूसरा वॉलपेपर सिलेक्ट कर ओके दबाएं। इसके होते ही आपका वॉलपेपर बदल जाएगा। और इसी प्रकार आप जैसे मान लीजिए अपनी टास्क बार पे, यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में ये जो घड़ी देख रहे हैं, इस घड़ी को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपीयरेंस एंड थीम्स में जाइए, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, शो द क्लॉक के सामने जो टिक मार्क है इसको हटा दीजिए, हटाकर अप्लाई करें तो अब देखिए ये घड़ी चली गई। फिर से लाने के लिए उसको सिलेक्ट करके अप्लाई दबाएंगे तो ये देखिए घड़ी यहाँ पे आ गई। कंट्रोल पैनल में इतना ही। धन्यवाद।